साथियों, आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार द्वारा उद्योग निदेशालय बिहार पटना के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं विषय उद्यम रजिस्ट्रेशन का जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर प्रेषण के संबंध में, तो साथियों जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में आप जानते हुइएगा, अगर नहीं जानते हैं तो इसके लाभ और बेनिफिट के बारे में आपको समझना चाहिए। साथियों, इसमें जो है ना आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे बैंक लोन लेना है तो 50% तक आपको सब्सिडी मिल सकती है। इसके नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार, आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू। के लिए आपको ओनली फॉर ऑनलाइन प्रोसेस से आप 100% ऑनलाइन प्रोसेस से आप कर सकते हैं। मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है, और जब जो है ना उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं था, मैंने जब देखा उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में तो वहाँ पे ऑनलाइन किया ना तो 8 से 10 दिन में मेरा आ गया था। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप बना सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन जिला वार यानी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है ना, वहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया गया, कैंप लगाया जाएगा। कैंप लगाने का जो 60 दिन का मोहलत दिया गया है उसके अंतर्गत क्या होगा कि तकरीबन ये थोड़ा लेट हो गया है। आप देख सकते हैं कि 2/8 का ही था और 1 महीना समथिंग ये आपका हो गया है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे 60 दिन है तो समझिए कि 30 दिन अभी आपका बाकी है, 30 दिन बाकी है। और 30 दिन के अंदर में सर क्या है कि आपके ज़िला में हो सके, जब देखिएगा अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन का कैंप लगा हुआ है तो आप ज़रूर उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट जो है पैन कार्ड चाहिए, GST रजिस्ट्रेशन चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिजनेस ओपनिंग का डेट होना चाहिए, बैंक अकाउंट जो है IFC कोड के साथ होना चाहिए, और ऑफिशियल वेबसाइट का वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अभी जा करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर कैंप है तो कैंप के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में उद्यम रजिस्ट्रेशन की संख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ही कम है। हमारे यहाँ सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्योग विस्तृत पैमाने पर कार्यरत है, पर उद्यमी में जागरूकता नहीं होने की वजह से बहुत ही कम उद्यमियों ने अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो इसमें उद्यमी जो है ना अनफंड में क्या होता है कि चलो भाई सब बिजनेस कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट इधरकारी जो 10 लाख की राशि भी दे रही है, और तो उससे कहता है कि चलो कहाँ पढ़ाई लिखाई मान लेते हैं, जॉब हो नहीं रही है तो चलो हम ये कर लेते हैं। तो लेकिन वो तो कर लिया, लेकिन इसमें क्या है कि सर मीटिंग में बैठाया जाता है उसमें पार्टिसिपेट होते नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी अपडेट मेरे पास आता है मैं आप तक प्रोवाइड कराता हूँ मीटिंग वगैरह के बारे में, तो आप वीडियो को इग्नोर मत करो। वीडियो आपके रिलेटेड हो सकता है कि कब कौन वीडियो आपको ज़िंदगी बदल सकता है। तो साथ ही ये उद्यम रजिस्ट्रेशन है ना बहुत बेनिफिट होता है इसके। अब उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ही कम लोग इनके बारे में जानता है, और जो भी जानते हैं आप उसको बखूबी ढंग से इसको बेनिफिट ही बेनिफिट है। सरकार जो है ना इस पर सब्सिडी देती है, और आपका बहुत ही ऐसे जैसे कि कुछ ऐसे बैंक है आपको ऋण जो आप लीजिएगा उधार लीजिएगा ना तो उसमें आपका डिस्काउंट भी देती है। जैसे IDFC बैंक फर्स्ट बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक है ना, जब उनसे ऋण आप लोगे तो डिस्काउंट में बम्पर ये छूट देते हैं। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के बहुत ही फ़ायदे हैं, आप जा करके करा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में जागरूकता नहीं है, इसके बारे में क्या है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन को मिशन मोड में कैंप लगाकर करवाना है, जिससे हमारे राज्य की अच्छी उपलब्धि पोर्टल पर दिखाई दे। और जिला वाइज भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना लोगों ने अभी तक उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अतः उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने हेतु जिला वार लक्ष्य निर्धारित कर प्रेषित किया जा रहा है। हम साथ ही निर्देश दिया जाता है कि 60 दिनों में लक्ष्यानुसार उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने का कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। तो दे रहा है दुरुस्त है,
आप इस पर मत ध्यान देना, लेकिन जो भी मेरे पास नोटिस आएगा, मैं जब भी आएगा मैं लेट नहीं करता हूँ, देर नहीं करता हूँ। तो साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ टारगेट दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट आपका है उद्यम जो उद्यम रजिस्टर, यानी कितना लोगों ने अब तक उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल टेंटेटिव MSME यानी इतना MSME से इतना लोगों का वैसे जो है ना टारगेट है, और यहाँ पे ये टारगेट 4 उद्यम रजिस्ट्रेशन का टारगेट इतना है, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन इतना कराना है। तो आप अपने ज़िला को देख लीजिएगा, जैसे अररिया का है इतना लोगों ने करा लिया है 5591, और लक्ष्य रखा गया है इतना का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपने ज़िला के बारे में देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे वैसे मैं इसको डाल दूंगा, आप टेलीग्राम पे जाकर के आप इसको टाइप करेंगे तो ये आपका उद्यम हैज टैग, आपको जो है ना इसको टाइप कर लेना है सर, हैज टैग, हैज टैग 38 टाइप कीजिएगा, ये आपका आ जाएगा। 38 टाइप करेंगे ना तो ये वाला आपका PDF आपको आ जाएगा, हैज टैग 38 टाइप कर लेंगे सर, ये PDF आपको आ जाएगा। तो यही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि सर उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में आप भी जागरूक हों, दूसरों को भी जागरूक करें। आपको इसमें बैंक लोन भी देगी, 50% तक आपको सब्सिडी भी मिल जाती है, और भी बहुत सारा इस पर है, जैसे कि आयुष चार्ज है, आयुष चार्ज आपको उसमें प्रतिपूर्ति भी कर सकती है गवर्नमेंट, और ब्याज दर के भी के जो ब्याज दर छूट के साथ ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं, बिजली पर भी रियायत मिल सकती है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बहुत ही फायदे हैं, उससे मैं इस पर अलग से एक वीडियो मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अगर क्या है, अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन के जो लाभ और फायदे के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब आपको जिला में जाएँ तो ज़रूर आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, आप जो उद्यम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वीडियो भी मैं डाल दूँगा, उस वीडियो को आप देखने के बाद आप उद्यम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। हमारे कहने का मतलब है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो कैसे आप रजिस्टर करेंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि प्रोप्राइटरशिप लाइसेंस लेना पड़ता है, उसमें आपका LLP हो करके आता है, पार्टनरशिप करके लाइसेंस लेकर के तभी आप उद्योग लगा सकते हैं, उसी को उद्यम रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। तो आप वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर कैसे अप्लाई करना है उस पर मैं वीडियो बना दिया हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पर ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका भी लिंक दे दिए हैं, तो आप ज़रूर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। आप ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है, UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है, BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है। नमस्कार, मैं हूँ हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स।